अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह करते हैं जी आज का ब्लॉग शुरू। प्लीज़ वीडियो को देखेंगे, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देखें, टिकटॉक पर देखें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह करते हैं जी आज का ब्लॉग शुरू। सीन कुछ ऐसा ही है, अभी सो के उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी है सिर्फ और कुछ नहीं किया, तो लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। अभी इंशाल्लाह जा रहे हैं कल अब्बास भैया के भी, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया अब्बास भैया, कल जो काम करना था ना, कल जो था देख के आए उसका सामान वगैरह लेने और डब्बे वगैरह कटवाने के लिए जा रहा हूँ। जाके देखते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तब तक सब्सक्राइब कर दो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी दुकान पे आ चुके हैं, ये पीस अभी कटने लगे हैं सारे। ये अली साहब बाहर तैयारी में खड़े हैं, इंशाल्लाह कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद दिखाते हैं आपको। सारा हुलिया ख़राब हुआ है दुकान का, इस वक्त सेट करेंगे आज नहीं, दो तीन लगेंगे जब तक माल के काम ख़त्म नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जी अब आरी से काट रहे हैं, बाकी से पीस कटने वाले थे वो ये कट चुके हैं और कुछ ये कट चुके हैं। अभी इनको डब्बे भी बनाने हैं सारे, सब कुछ करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो माल काटा था वो डब्बे भी बन चुके हैं टोटल सारे, ये देखें डब्बे बन गए इंशाल्लाह। अब जा रहे हैं माल देने के लिए, इनका वो जो बैग की शीट और फ्रंट की पल्ले, फिर इंशाल्लाह जाके आपको दिखाते हैं। नालू खेद निकल रहे हैं हम लोग अभी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम आ गए हैं हैदराबाद यखनी पुलाव खाने के लिए, बड़ा ज़बरदस्त इनका होता है, आता है तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। अली वो पानी पी रहे हैं इंशाल्लाह, फिर आता है तो लगा के फिर खाते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आ गए हैं हैदराबाद यखनी पुलाव खा रहे हैं, अली ये बैठ के खा रहे हैं, मेरे पास आ गई ये प्लेट, बड़ी ज़बरदस्त होता है खाते हैं इंशाल्लाह, फिर निकलते हैं नालू खेद इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हार्डवेयर का सामान लेने के लिए पहुंच गए अपने भाई के पास और इनसे सारा सामान मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, हार्डवेयर वाले वेलकम वालों के पास ही है बिल्कुल। तो अभी मैं सामान भी लेता हूं इनसे, चीटें भी लेनी है वो भी आपको दिखाता हूं, कटवानी है लेनी है सब करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर अच्छे पर रोक करके लेकर जानी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्लाई वगैरह आ गई, जो उनका कोना टूटा हुआ था इसलिए मैंने चेंज करवाया, क्योंकि जब चलना होता है मैं खुद ले जाता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात उतारने में रखने में लग जाती है। यहाँ कटेंगी फिर इंशाल्लाह मेरे पास पहुँच जाएंगी दुकान पर, अभी निकल रहा हूँ मैं दुकान पर और वो खिलावा है इंशाल्लाह उसके साथ निकल रहा हूँ, वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। अब सारा काम तैयार करना है, अभी पीछे से निकालने होंगे सामान वगैरह थोड़ा सा, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल, निकलते हैं या नहीं निकलते। अल्हम्दुलिल्लाह ये डब्बों के फ्रंट पे रेगमार वगैरह लग गया सारा, अब बाकी सामान भी आ रहा है रक्षा में, जो लोड करवाया हुआ तो आने वाला, और मैं ज़रा घर चला गया था पानी वाना पीने, थोड़े बहुत पैसे देने थे वो लेने गया था, और उसके अलावा अभी फ्रेम वगैरह सारे रेडी होंगे, फिर आपको सब कुछ दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तभी मैं जा रहा हूँ, कब से भूल आया हूँ लालू के जाके वहाँ से, कब से ले आऊँ जाके इंशाल्लाह, जा रहा हूँ वहाँ पर, कुछ पैसे भी देने थे कम पड़ गए थे वो भी देने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी कब्ज़े ले लिए, ये भूल गया था यहाँ पे एसएस के कब्ज़े, ये जवान साहब ने नहीं लिए थे कब्ज़े, भूल गए थे, ये भी फाइटेक्स की कैटलॉग ले लिए एक वहाँ से, और अब निकल रहे हैं इंशाल्लाह जी दुकान की तरफ वापस। रक्षा वाला पहुँचा ही नहीं अभी तक, मेरा दूसरा चक्कर लग गया। शुक्र है ये बात भी सही हुआ, वरना इसकी ऐसी हालत थी, इतने खड्डे थे इसमें, और ये हमने कब्ज़े बांध लिए अपने साथ ही, ये बने हुए। अब जा रहे हैं दुकान की तरफ और शोर की नमाज़ मुझे पढ़ानी है, मोहद्दीन साहब को फोन किए गए थे कि नमाज़ पढ़ा देना। अल्हम्दुलिल्लाह जी चाचा आप पहुँचे, बैग कौन सी एसी की है ना बैग, ठीक है ठीक, बैग भी आ गया सारा सामान आ गया। चाचा बहुत लेट पहुँचे हैं यहाँ पे, अभी माशाल्लाह सब काम शुरू होने लगा, थोड़ा सा रह गया बस, इंशाल्लाह करते हैं। ये मैं कैटलॉग ले आया था, नमाज़ भी पढ़ा दी मैंने ईदगाह मस्जिद में, नमाज़ पढ़ाने की मौजिन साहब मुझे बोल के गए थे कि नमाज़ पढ़ा देना, नमाज़ पढ़ा के आ गया और दुकान पर सारा काम शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी फिनिश करके आने इंशाल्लाह। आज ही इंशाल्लाह करने की कोशिश में रहेंगे कि आज सारा खत्म हो जाए, वरना उसको भी 2 घंटे देने पड़ेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है। आपके सामने ही सारी अपडेट पहुँचती रहेगी आप तक इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं आपके पास आया था पैसे देने के लिए, नहीं मिले तो अभी जाके दुकान के काम दोबारा शुरू करते हैं। पूरा दिन इतनी खबारी हुई है, मैं अभी आगे मैंने कहा 2 मिनट लेट था, सोचा का डब्बा लेने आया था, मैं डब्बा का रख वो रखा डब्बा रख दिया, आप जा रहा हूँ इंशाल्लाह दुकान पर। ब्लॉग मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, मैं करने लगा हूँ भाई, अभी कर रहा हूँ इंशाल्लाह उसके बाद देखते हैं, जाके सब कुछ रेडी है बस, अब लेके जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या सूचते आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ कोई सुजुकी वाला भी नहीं मिल रहा था और कोई वो भी नहीं मिल रहा था, क्या कहते हैं इसे, रक्षे वाला, जिसके ऊपर हम ये डब्बे वगैरह जो तैयार किए हैं आज सारे तैयार हो गए हैं, फ्रेम है डब्बे सारे, फिर इसी भाई को शर्जील को बोल दिया, शर्जील भाई ने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं, मैं कहने यहाँ पे दुरुस्त कर लूँगा थोड़ी सी, आप कहना तो कहने बहुत फैली हुई थी इसलिए, तो कह रहे हैं कि नहीं मैं सेट कर लेता हूँ आप डब्बे रख लेना, डब्बे रख लिए हमने, अब जा रहे हैं इंशाल्लाह। और अली तो निकल गया, अली ये खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ अली, अली जा रहा है तो मेरे साथ ही, यार उसके पास है, बाकी सामान मेरे पास है, उधर जाके उतारते हैं फिर लगा दे तो फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ऐसा कि नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, आप भी पढ़ लें या करें, मेहरबानी है आपकी, उम्मीद है आप सब पढ़ते होंगे, फिर भी कोशिश किया करें कि नमाज ना ज़ाया हो, नमाज ना छूटे हमारी।
जा रही है जी हमारा रक्षा जा रहा है माशाल्लाह, बड़ा प्यारे बादल हो रहे हैं इस वक्त। माशाल्लाह सर्दी नहीं है, मैंने लाइट कर ली थी जो थोड़ी सी ब्राइटनेस वो कर ली थी। अब इंशाल्लाह आप पहुँचते जब लग जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह सारा सामान जो कि मैं लेके जा रहा हूँ। अलहम्दुलिल्लाह जी देखें वो डब्बे जो से तैयार किए थे, अल्लाह का शुक्र है आज के दिन में इंशाल्लाह कल ये फाइनल करके दे देंगे, इनके हाथ में पकड़ा देंगे पूरा किचन। पूरा किचन हो चुका है, कल इन्होंने ऑर्डर दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तैयार है। लकड़ी भी अच्छी लगा दी फ्रेमों के नीचे, टोटल हो गया तैयार माशाल्लाह। अली भाई की तबीयत ख़राब थी उसके बावजूद इन्होंने काम किया आज, अल्लाह इन्हें भी जज़ाए खैर दें खैर इंशाल्लाह। ये अब इंशाल्लाह हम निकलने लगे हैं, मगर की नमाज़ पढ़ के आ गए थे, असर की नमाज़ पढ़ ली, अब जा रहे हैं, इशा का टाइम होने वाला है, घर जाते हैं, दुकान पर पहले उजा वगैरह रखते हैं। अली भाई की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं तो सोच रहा था कि काम इनको फाइनल करके ही दी, पर अभी तबीयत ख़राब थी अली भाई की इसलिए नहीं किया। तो इंशाल्लाह सुबह उठते ही कोशिश करेंगे जल्दी उठ तो फिर काम करेंगे सुबह इंशाल्लाह। अभी निकल रहे हैं घर की तरफ, जाके देखते हैं खाने में क्या करते हैं। मैं जब वापस आ रहा था तो यखनी ले ली थी, यखनी बाइक के साथ टंगी हुई है, अली बैठा हुआ बाहर, तो यहाँ रोटियाँ मंगवाने आ गए थे हम, रोटियाँ लग गई हैं चार रोटियाँ इंशाल्लाह लेते हैं फिर घर जाते हैं इंशाल्लाह। इतना ही दुकान पे पहुँचा था तो मुझे भूख लगी हुई, मैंने रास्ते में से रोटियाँ और ये ले ली थी अली की, अली का सूप ले लिया था हमने, सुरीद बना लिया रोटियों की, अब इसके अंदर खाते हैं इंशाल्लाह, फिर देखते हैं कहीं बाहर जाना या नहीं जाना हमने, देखते हैं क्या सूरत हाल चल रही है क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम खाना खा के फिर दोबारा काम पर आ गए, हमारे पास ये अब्दुलरहमान कैसे हैं आप और अली साहब अभी अभी साइज देने लगे, अभी साइज देने लगे, फिर आप डेंगी साहब आप बोल रहे हैं डेंगी साहब चले हैं जी। ये अभी अब अली भाई साइज ले रहे हैं माशाल्लाह, इस टाइम 10:30 बजे के करीब काम करने के लिए आए हैं, 10:30 बजे के करीब नहीं 11:15 हो रहे हैं, कह रहे हैं रात को काम अभी कर लेते, मैं फ़्रेश मूड में हूँ तो तबीयत मेरी फ़्रेश हो गई है, तो इसलिए काम कर रहे हैं, अभी काम करके देखता हूँ कितनी देर काम करते हैं, जो भी तैयार करते हैं आपको दिखाते हैं ये सब। काम करते करते प्यास लगी थी बड़ी ज़बरदस्त, ठंडा पानी है इनके पास, देखने खड़ा हुआ है देख ले यार ठंडा पानी है तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी देख ले ठंडा है तो बारकल्ला, नहीं आप ठंडा पानी देख लो मेहरबानी। अच्छा अभी वो कोल्ड ड्रिंक ठंडी थी इसलिए ले ली, अब इंशाल्लाह देखते हैं सामने वाले होटल में अगर मिल जाए तो वहाँ से पानी नहीं मिला था, मैं बोतल बंद ही ले आया था, ये अभी देखना पाकिस्तानी स्टाइल बोतल खोलने का दांतों से खोलेगा ना फिर खोलना ज़रा एक मिनट ए लो जी अच्छा जी अब देखते हैं, बोतल नहीं टूटनी चाहिए, बोतल नहीं टूटनी चाहिए, मैं नहीं खोल रहा। वाह जी वाह जमूर से खोल रहा भाई ये खुल गई पाकिस्तानी पाकिस्तानी है भाई, चल जल्दी कर यार। अब अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आए थे 11:15 बजे और 11:15 या 10:30 इस तरह को टाइम हो रहा था, और अभी बज रहे हैं जो 12:15 बज रहे हैं मेरे ख्याल में, और ये देखने पल्ले सारे कट गए हैं, सारा काम हो गया, ये काम बहुत पल्ले जो उनसे निकालने होते हैं ना, बहुत पल्ले निकालने वाला काम जो होता है ना बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है, पल्ले निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो सूरत हाल है, अब ये सूरत हाल है कि अब हमारे में डिसाइड नहीं हो पा रहा कि पीवीसी अभी निकल लगाएं या सुबह लगाएं, तो अभी अली भाई तो कह रहे हैं कि अभी लगाएं, तो अभी मेरा सर और जो गर्दन है ना पीछे से यहाँ से गर्दन और सर दर्द कर रहा है, तो मैं अभी कह रहा हूँ मैं जाके थोड़ी देर लेट जाऊँ सो जाऊँ, सुबह उठना रही है फजर में, तो इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज़ मस्जिद में पढ़नी है, आगे कल भी आज भी नहीं पढ़ सका था, सुस्ती हो गई थी नहीं उठ सका था मैं बेड पे, जिस दिन सो जाऊँ ना आराम से नींद आती है तो उठना आँख नहीं खुल पाती, तो आज मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ज़मीन पे सोऊँगा,
बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल होती है इंशाल्लाह। पल्ले वगैरह कट गए, चिन्नी भी कट गई, सारे कट गए, एक पीस रह गया वो काट के देखते हैं। अभी पीवीसी लगती है, सुबह अगर अभी लगाए तो अभी आपको दिखा देंगे, वरना सुबह दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं घर पे आ चुका हूँ, काम काफ़ी ज़्यादा कर लिया था हम लोगों ने, अभी 2:45 का टाइम हो रहा है और मैं और अजय चले गए थे बाहर होटल पे खाना खाने के लिए। उसके बाद क्या सीन हुआ, तो मेरे दोस्त का होटल है आगम मोहतरा, आपने देखा होगा मोबाइल में चार्जिंग थी, मैंने मोबाइल चार्जिंग पर लगा दी, तो मैंने कहा वापस आके बता दूँगा आप लोगों को। चले इंशाल्लाह आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोज आप तक पहुँच जाए। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ 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 मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।